हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सन्ना भाटिया, मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाउडर्स कितने टाइप्स के होते हैं, पाउडर्स क्यों यूज किए जाते हैं एंड पाउडर्स के क्या क्या यूजेस हैं, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। आज हम बात करेंगे पाउडर्स के बारे में कि पाउडर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं एंड पाउडर्स का यूज मेकअप में क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पाउडर्स आपके होते हैं 4 टाइप्स के। पहला होता है लूज पाउडर, दूसरा होता है कॉम्पैक्ट पाउडर, तीसरा होता है HD पाउडर, चौथा होता है फिनिशिंग पाउडर्स। ठीक है, ये तो हो गए पाउडर्स के टाइप्स। लेकिन जो लूज पाउडर होते हैं उसमें भी आपको 3 टाइप्स के पाउडर्स मिलते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले मिलता है ट्रांसल्यूशन पाउडर। ट्रांसल्यूशन पाउडर्स वो होते हैं जिसमें कोई कलर पिगमेंट नहीं होती है। दूसरा होता है आपका बनाना पाउडर। बनाना पाउडर में आपको 20% येलो पिगमेंट मिलेगा। इट मीन्स बनाना पाउडर आप मीडियम टू डार्क स्किन पे यूज कर सकते हैं। प्लस आप लोग जो वार्म अंडरटोन के लोग होते हैं ना, उनके ऊपर भी आप बनाना पाउडर यूज कर सकते हैं। मोस्टली जो बनाना पाउडर्स होते हैं वो वार्म अंडरटोन के लिए ही बने होते हैं। एंड स्किन टोन पाउडर्स की अगर बात करें तो स्किन टोन्स के जो पाउडर्स होते हैं वो मोस्टली आपकी स्किन टोन्स को देख कर के ही बनाए गए हैं। तो ये होते हैं लूज पाउडर्स के टाइप्स। तो अभी हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर्स की, HD पाउडर्स की एंड फिनिशिंग पाउडर्स की। तो कॉम्पैक्ट पाउडर्स की जो पिगमेंट्स होती है वो बहुत ही हाई पिगमेंट्स के होते हैं। एंड अगर HD पाउडर्स के बारे में बात करें तो HD पाउडर्स की पिगमेंट भी बहुत ही हाई होती है एंड इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मूथ होते हैं एंड बहुत ही फाइन होते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये होती है इसमें कि इसमें सिलिकॉन मिक्स होता है एंड आपका जो बेस होता है वो टिका हुआ होता है। एंड दूसरी चीज ये आपके फेस पे एक फाउंडेशन की लेयर क्रिएट करता है। तो HD पाउडर्स बहुत ही सुपर्ब होते हैं। एंड अगर बात करें आप फिनिशिंग पाउडर्स की, तो फिनिशिंग पाउडर्स का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है, जब भी आप फिनिशिंग पाउडर्स लगाते हैं तो आपके जो फोटो होते हैं वो फोटो फिनिश होते हैं। मतलब आप फोटो को जितना भी जूम करके देख लीजिए, आपका फोटो कभी भी ब्लर नहीं होगा। इसलिए जब भी आप फिनिशिंग पाउडर्स यूज करते हैं, सबसे लास्ट में फिनिशिंग देने के लिए यूज करते हैं। तो ये तो हो गए आपके फाउंडेशन के। हम बात करेंगे लूज पाउडर की। तो लूज पाउडर आपको मोस्टली ऑयली स्किन पे यूज करना है। ड्राई स्किन वाले लूज पाउडर को अवॉइड कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज, ट्रांसल्यूशन पाउडर आपको बेकिंग के काम आता है। एंड बनाना पाउडर आप लोग वार्म अंडरटोन के जितने भी लोग हैं, मतलब कि हमारे इंडिया जो कंट्री के लोग हैं वो मोस्टली वार्म अंडरटोन के होते हैं, तो वो बनाना पाउडर यूज कर सकते हैं या फिर आप लोग आपकी स्किन टोन का भी पाउडर यूज कर सकते हैं। एंड बाकी तो कॉम्पैक्ट पाउडर, HD पाउडर एंड फिनिशिंग पाउडर आप लोग किसी भी स्किन टाइप पे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ लूज पाउडर कैसे दिखते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर कैसे दिखते हैं एंड HD पाउडर्स कैसे होते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे आपको लूज पाउडर दिखाऊंगी। ये मेकअप स्टूडियो का लूज पाउडर है, ये ऐसे पाउडर फॉर्म में आते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको ये कॉम्पैक्ट पाउडर दिखाऊंगी। ये यूरोप गर्ल का कॉम्पैक्ट पाउडर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये मैक का HD कॉम्पैक्ट पाउडर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैक का HD कॉम्पैक्ट पाउडर है। एंड अगर आपको फिनिशिंग पाउडर चाहिए तो आप मेकअप फॉरएवर का ले सकते हैं। यहाँ पे मैं HD पाउडर आपको सर्च करके बताती हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे HD पाउडर सर्च किया एंड अभी मैं यहाँ पे ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसकी भी पिगमेंट अच्छी होती है। एंड जो लूज पाउडर्स होते हैं, ये यहाँ पे मैं आपको लूज पाउडर भी सर्च करके बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों आपको सर्च करके बताया हुआ है। तो अगर आपको फिनिशिंग पाउडर लेना है तो आप फॉरएवर 52 का फिनिशिंग पाउडर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं
इसमें कोई कलर पिगमेंट नहीं है, आप इसको डस्ट करेंगे तो ये निकल जाएगा आपके हाथ से। एंड कॉम्पैक्ट पाउडर को आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये आपकी स्किन पे एक लेयर क्रिएट करता है, इसके पिगमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड HD पाउडर में सिलिकॉन होता है, तो HD पाउडर्स की तो आप बात ही मत कीजिए। HD पाउडर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तीनों स्वॉच किया हुआ है। अगर यहाँ मैं स्वॉच करती हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बाकी ये दोनों लाइनें आपको शार्प दिख रही होंगी। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि जो पाउडर्स होते हैं उनका काम होता है आपके बेस को लॉक करना, ठीक है। ट्रांसल्यूशन पाउडर से भी आप आपके बेस को लॉक कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर से भी आप आपके बेस को लॉक कर सकते हैं, एंड HD पाउडर से भी आप आपके बेस को लॉक कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसल्यूशन पाउडर में कोई कलर पिगमेंट नहीं होता, इसलिए आपका बेस थोड़ी देर के लिए होल्ड हो जाएगा लेकिन आपका बेस लॉक नहीं होगा। सो गाइस, लूज पाउडर क्या करते हैं, लूज पाउडर आपके बेस को सेट करता है, एंड जो HD एंड कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं वो आपके बेस को एक फाउंडेशन की लेयर क्रिएट करके देता है जिससे आपका बेस होल्ड हो जाता है। इट मींस अगर आप कभी भी, आपने देखा होगा जब आप आटा गूंथते हैं तो आटे में जितनी पानी की ज़रूरत होती है आप उतना ही पानी डालते हैं, इसी तरीके से आपको जब भी आपके बेस को लॉक करना है तो आपको उतना ही पाउडर या पाउडर कॉम्पैक्ट लगाना ही पड़ेगा जिससे आपका बेस पूरी तरीके से लॉक हो जाए। सो ये हो गया आपको पाउडर्स के बारे में पता। सो गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पाउडर्स कितने टाइप्स के होते हैं एंड कौन सी स्किन टोन पे कौन सा पाउडर्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करना है, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है इस वीडियो में। एंड अभी भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरी इंस्टा ID पे भी DM कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी नई नई वीडियोज़ लेके आऊँ एंड आपको बहुत अच्छा अच्छा सिखा पाऊँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में मेकअप टिप्स एंड ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।